सिंह के, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज डिनोटेड बाई, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज डिनोटेड बाई रो ए, ऐसे डिनोट करते हैं रो से, रो इन ब्रैकेट ए, ठीक है। अगर मान लीजिए रैंक आर है मैट्रिक्स का, तो रो ऑफ ए इज इक्वल क्या लिखा जाएगा, आर, ठीक है, ये करने का मतलब। चलिए आगे लिखिए, इसमें नोट करके लिखिएगा कुछ बातें। अब नोट लिखवा रहे हैं सब, आपके दिमाग में होनी चाहिए, इससे आप एमसीक्यू आसानी से कर लेंगे। अगर रिटर्न होता तो कोई जरूरत इसकी नहीं थी, बट एमसीक्यू के लिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो बता रहा हूँ आपको। देखिए नंबर फर्स्ट, द रैंक स्मॉल आर कैन आलमोस्ट बी इक्वल टू द, कैन आलमोस्ट बी इक्वल टू द, बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स, बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स, स्मॉलर ऑफ द नंबर्स स्मॉल एम एंड स्मॉल एन, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन, बट इट मे बी लेस, बट इट मे बी लेस, इट मे बी लेस। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैट्रिक्स का आर्डर m क्रॉस n है, तो r जो उसमें छोटा होगा m और n में, जैसे मतलब ना 5x7 था, तो r एटमोस्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 के बराबर है ना, वही चीज़ बोल रहा है, यानी कि जो उसमें छोटा होगा उसी के बराबर r होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि r जो है उन दोनों से भी छोटा हो सकता है, मतलब रैंक जैसे 5x7 का मैट्रिक्स है, तो m का वैल्यू 5, n का वैल्यू 7, तो r का एटमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू कितना सकता? 5 हो सकता है, और r जो है रैंक है मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू उन m और n 5 और 7 से छोटा भी हो सकता है, मतलब रैंक 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो मैट्रिक्स 5x7 ऑर्डर का है उसका रैंक है ना 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बात समझ आ रही है ना, और 5 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5, क्योंकि 5 और 7 में जो आपका लेस है वो 5 है, ठीक है ना। सेकंड नंबर, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल 0 है, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n, n इज n, स्मॉल n है ना, द रैंक ऑफ क्या लिखे आप लोग, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल n इज n, क्लियर है। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया गया आपको, अगर वह नॉन सिंगुलर है, तो उसका रैंक वही होगा जो उसका ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ए टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट निकाला, नेट इक्वल 0 आ गया, बात समझ में आई, तुरंत वही 2 उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, द रैंक ऑफ आई एन, द रैंक ऑफ आई एन इज इक्वल टू एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का रहेगा उसका रैंक उतना ही होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का है तो उसका रैंक 1 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो उसका रैंक क्या होगा, 2 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 रैंक का है उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। किसी मैट्रिक्स का रैंक जो है ना, किस मैट्रिक्स का रैंक, किसी क्या किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, 0 रैंक केवल 0 मैट्रिक्स का होता है, याद रखेंगे हमेशा आप लोग, 0 रैंक हो सकता है मैट्रिक्स का, लेकिन वो केवल 0 मैट्रिक्स का, 0 मैट्रिक्स कौन, जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं, उसे 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो 0 रैंक भी पॉसिबल है, लेकिन 0 रैंक केवल उसी मैट्रिक्स का हो सकता है जो 0 मैट्रिक्स होगा, बस मैं ना, और किसी से मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, कोई मैट्रिक्स दे दिया जो 0 मैट्रिक्स नहीं है, बहन समझिएगा, कोई मैट्रिक्स ऐसा दे दिया जो 0 मैट्रिक्स नहीं है, और बोला इसका रैंक क्या होगा, तो उसी में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 भी मिला दिया है, तो 0 वाला तुरंत काट देना है, क्योंकि ये सब चीजें हैं, ट्रिक है, दिमाग है ना, तुरंत काट देना है। मान लीजिए आपका समय नहीं है, आपके पास 2 सेकंड समय है, आपको 4 में तुक्का मारना है, तो 4 में तुक्का मारेंगे तो सही होने की जो परसेंटेज होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 25%, कितने जाएगी 25% है ना। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है कि अरे यार जो मैट्रिक्स दिया हो तो 0 मैट्रिक्स सही है नहीं है, इसका मतलब जो 4 ऑप्शन में जो 0 दिया है ऑप्शन, वो तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो हटा दो पहले तुरंत, अब 3 तो बचा है, अब आप 3 में तुक्का मारेंगे तो अब आपके जो सही होने के प्रोबेबिलिटी होगी बढ़ जाएगी, अब 33.33% हो जाएंगे, बस समझ में आ रही है। तो कुछ चीज़ अगर दिमाग में रहेंगी ना, तो तुक्का भी मारने में आसानी होती है, कुछ ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे अगर दिमाग आपका थोड़ा भी काम करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 0 जो है रैंक केवल 0 मैट्रिक्स का होता है,
और जीरो मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स अगर आप लोगे है ना तो उसका रैंक तो जीरो नहीं होगा, भले कुछ हो, एक हो, दो हो, तीन हो, बस हमारी है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट नंबर, इसी मैट्रिक्स का रैंक निगेटिव भी नहीं होगा, इसे याद रखिएगा, किसी मैट्रिक्स का रैंक निगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन में निगेटिव देगा तुरंत कटेगा, याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए दे भी दे दिया आपको, है ना, तो तुरंत काटिएगा उसको, किसी मैट्रिक्स का रैंक निगेटिव नहीं होगा, है ना, केवल जीरो मैट्रिक्स का ही रैंक जीरो होगा, अदरवाइज किसी मैट्रिक्स का रैंक जीरो भी नहीं होगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, हूँ मत करिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर लिखिए, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन आर जीरो, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो, आर प्लस वन इज जीरो, विच इंप्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, विच इंप्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन आर इक्वल आर। अगर उस मैट्रिक्स के सभी माइनर जो आर प्लस वन ऑर्डर के हैं वो जीरो हैं, इसका मतलब उसका मैट्रिक्स का रैंक रैंक कितना होगा, या तो आर होगा या तो आर से क्या होगा, छोटा होगा, है ना, आर प्लस वन या आर से ज्यादा नहीं होगा। अगला नंबर लिखिएगा इसमें, द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज द रैंक ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्लियर है, मतलब किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही उसके ट्रांसपोज का भी होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें ए बराबर लिख दिया कि ये मैट्रिक्स है, उसका रैंक बोल दिया तीन है, और फिर बोल दिया कि एक मैट्रिक्स और दे दिया, बोल दिया कि बताओ इसका रैंक कितना होगा, और हम समझ नहीं पा रहे हैं, बैलून थोड़ा लगा निकाल लें उसको, लेकिन अगर ध्यान दिया जाएगा, मान लीजिए वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोजर निकल गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का सा ध्यान दीजिए, जब भी कोई मैट्रिक्स दे ना आपको पूछे तो हल्का सा फोकस करिएगा हमेशा कि कुछ विशेष है कि नहीं इसमें, तो अगर वो इसका ट्रांसपोजर निकल गया तो वही रैंक हो जाएगा, सेम टिक मार के निकलेंगे, बस में भाई छोटी छोटी बातें होती हैं। नेक्स्ट नंबर लिखेगा, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर, देखिए इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर देन there is at least one non-zero minor of capital A of order small r। बस हमारी किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर r है, इसका मतलब कि कम से कम एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर होगा, उसका माइनर कह लीजिए, सब मैट्रिक्स का माइनर, कम से कम ऐसा माइनर जरूर होगा, है ना, जो क्या होगा, नन जीरो माइनर होगा, और कितने आर्डर का, आर आर्डर, अगर रैंक अगर आर है तो आर ही आर्डर का एक जरूर, है ना, कम से कम एक, है ना, नन जीरो माइनर आर्डर का जरूर एग्जिस्ट करेगा। बस हमारी नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज यूनिटी, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज यूनिटी इज वन, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज यूनिटी इज वन, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट वन हो, बस ना रही ना, मैं बोलूँगा ऐसा कोई मैट्रिक्स वन 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 वन, इसका रैंक कितना होगा, वन, मैं बोलूँगा ऐसा मैट्रिक्स वन, है ना, तो ऐसा मैट्रिक्स चाहे जितने भी ऑर्डर का हो, अगर उसके सभी एलिमेंट वन है तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना आएगा, वन ही आएगा, अभी आप देखेंगे निकाल के भी समझ लेंगे आसानी से, इसका कन्फर्म गारंटी इसका रैंक वन होगा, ठीक है, कोई उठाओगे इसे, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो जीरो मिल जाएगा, टू क्रॉस टू का भी कोई लोगे जीरो मिल जाएगा, जब वन क्रॉस वन का लोगे तो नॉट इक्वल जीरो, तो जो जिस पर नॉट इक्वल जीरो मिलता है वही ऑर्डर होता है, तो एक वही रैंक होता है, तो एक हो जाएगा इसका रैंक,
ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये सभी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रहेंगी तो आप मैट्रिक्स के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं आसानी से, उसका रैंक, उस मैट्रिक्स के रैंक के बारे में प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, उसका रैंक कितना होगा, कैसे होगा। अब आइए हम निकालते हैं कैसे मैट्रिक्स का रैंक एक्चुअल में निकाला जाता है, हमको वो भी सीखना है कि कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है। और वो तो अलग बात है कि कैसे हम अपने एग्जाम में टिक करेंगे ऑप्शन को, वो भी ध्यान देना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। चलो मैं पहला मैट्रिक्स ले लिया, ए इज इक्वल टू 231 240 145। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, बी इज इक्वल टू 443 745 886। तीसरा मैट्रिक्स ले लिया, सी इज इक्वल टू, ठीक है, 1343 39 12 3 1341। वासन आ रही है? ऐसे ही हम तमाम मैट्रिक्स, चौथा मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1231 2462 1232। अगला मैट्रिक्स ले लिया, पांचवा मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1AB 0 0CD 1 1AB 0 0CD 1, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे जो इसका रैंक निकालने का तरीका है ना, पहला मेथड में बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा आपके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा नॉर्मल फॉर्म, मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे रैंक निकालते हैं, फिर बताऊंगा इकोलन फॉर्म, मैट्रिक्स के इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे मैट्रिक्स का रैंक बताते हैं। तीन तरीके हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए, बात समझ आ रही है? हाँ, तरीका आप जान लीजिए, याद रखिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू में देगा वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो जिसका रैंक इजीली गेटेबल होगा, आसानी से जिसका रैंक आप बता सकते हो या प्राप्त कर सकते हो, बात समझ आ रही है? ये चीज़ हमेशा रहेगा फिक्स एकदम। अगर लगाने का, मान लीजिए हमको इसमें से कोई मेथड लगाना भी पड़े तब भी वो ईजी वाला होगा, आसानी से है ना दिख जाएगा, वासन मारी। ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यू में सेट किए जाते हैं। अभी आगे आपके पास एकदम ट्रिक्स का भरमार हो जाएगा, है ना, ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और कॉन्सेप्ट ही ट्रिक होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, जितना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा उतना ही समझ लीजिए आपके पास ट्रिक है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मुझे पहले मैट्रिक्स का रैंक बताना है तो कैसे, तरीका क्या होता है, पहले तरीका क्या होता है, अभी मैं बाय डिफिनेशन चल रहा हूँ, तो बाय डिफिनेशन जो पहला मेथड है, जो जनरल मेथड भी कह सकते हैं, है ना, नॉट ए स्पेशल मेथड, ये जनरल मेथड है, है ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ रैंक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, पहला मेथड कैसे है, क्या है, कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का रैंक। देखो पहला तरीका क्या है, ए दिया है मैट्रिक्स ना, कोई मैट्रिक्स अगर दिया है तो पहले देखो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तुरंत उसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या निकालो उसका, तुरंत डिटर्मिनेंट निकालो। चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले का डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना क्या जाएगा, 2 किसी भी रो पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप, 4 बचे 20 20 माइनस का 0, फिर माइनस का 3 लेते हैं, या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप, 2 बचे 10 माइनस 0 है ना, फिर उसके बाद प्लस 1, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप, 8 माइनस 4, क्लियर है, यहाँ मिल जाएगा 2 और 20 माइनस 0 20, माइनस का 3 और ये 10 और प्लस का 1 और ये 4, यहाँ से मिल जाएगा 40 और माइनस का 30, 10 माइनस का 3 30 और प्लस का 4, क्लियर है बेटा। तो यहाँ से मिल जाएगा 44 14 मिल गया ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रो ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3, वो ध्यान से समझिएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तुरंत उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, है ना, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिल गया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया,
और बताया किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक वही होता है जो उसका आर्डर होता है। क्लियर है, है ना? तो तुरंत इसका आर्डर कितना होगा, इसका रैंक कितना होगा, 3 है। तो आपको जो क्वेश्चन दिए कुछ ऐसे ही दिए जाएंगे, है ना, जो वन लाइन, है ना, वन लाइनर टाइप में हो, ऐसा ऐसे इस तरीके से। अब मान लो अगर जीरो हो जाता है, है ना, मान लो अगर ये जीरो हो जाता तब ऐसे केस में क्या होता, तब ऐसे केस में आप 2x2 के जितने माइनर बनते उसको खोजते, क्या कोई, अब एक खोजने कोशिश करते क्या कोई ऐसा माइनर मिल रहा है 2x2 का जो नॉन जीरो माइनर हो। अगर ऐसा कोई माइनर मिलेगा तो उसका रैंक तब 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए जितने भी माइनर 2x2 के पॉसिबल हैं अगर सब जीरो माइनर हैं, तब जीरो माइनर समझते हैं मतलब कि जितने भी इसके सब मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के बनेंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो, है ना, वैसे बोलते जीरो माइनर, है ना। तो वो अगर सभी के सभी जीरो माइनर मिल रहे हैं 2x2 वाले, तब ऐसे केस में उसका रैंक जो है, है ना, तब 2 भी नहीं होगा। अगर सब जीरो मिले तो उसका रैंक 2 भी नहीं होगा, तब उसका रैंक 1 बोलेंगे निकल जाएगा, क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं। अगर मान लीजिए कोई एक माइनर 2x2 का मिल गया ऐसा जो नॉन जीरो है, उसका रैंक कितना जाएगा, तब 2 हो जाएगा। रिवर्स समझ आ रही है, जैसे मैं समझाऊंगा आपको, पहले पहले पता समझ आया ना आप लोगों को, डिटरमिनेंट निकला नॉट इक्वल जीरो, रैंक 3 जितना उसका आर्डर। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन लेता हूं, चलो तीसरा नहीं, 4 4 4 4 4, हां चलो दूसरा वाला चलिए लेते हैं। तो देखिए यहां पर समझ में आपको आ जाएगा और अच्छे समझ में आएगा दूसरा वाला। चलिए इसका निकालिए, डिटरमिनेंट बी 4, है ना, ड्रॉप 24 माइनस 40, यही ना बेटा, ये तो आता है सबको ना करने, है ना, माइनस का 4, फिर यह ड्रॉप 42 माइनस का 40, बोलो, फिर प्लस का 3, यह कॉलम यह रो ड्रॉप, हाँ 56 माइनस का 32, अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, 24 माइनस का 40 माइनस का 16 माइनस का 64, है ना, 64, और 42 में से 40 का 2 माइनस का 8, है ना, और ये हो जाएगा 4 और 24 नहीं 72, देखो ये कट के 0 हो जाएगा, हो गया ना 0, इसका मतलब कि इसका रैंक 3 नहीं होगा, समझ आ रही है ना, इसका रैंक 3 नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर 2 होगा तो एक 2x2 ऑर्डर का कम से कम एटलीस्ट 1 माइनर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2, अगर इसका रैंक 2 होगा देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर, 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो इसमें से कोई भी 2x2 का कोई उठा के ले लीजिए, मान लीजिए पहला उठाए, पहला वाला 4 4 7 4 क्या आया बताओ, 16 माइनस 28 नॉट इक्वल 0 आएगा ना, हो गया रैंक 2 इसका, कोई एक मिल जाना चाहिए। मान लो आपने ये लिया, ये भी 0 मिल गया, मान लो आप इन दोनों को ले लीजिए, क्लियर है।